वेलकम एवरीबॉडी। सो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज ई कॉमर्स। सो कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म बोलेंगे। इट इज अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे आप कुछ खरीदते हैं या आप कुछ बेचते हैं, या कोई आप सर्विस भी अगर आप बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, या अगर आप कुछ डेटा ट्रांसफर भी कर रहे हैं या फंड्स को भी ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। और जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वो है वो इंटरनेट, ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बाइंग और सेलिंग सर्विसेज या फंड्स और डेटा ओवर इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी अगर बाई कर रहे खरीद रहे, जैसे ये डायग्राम आप देख ही सकते हैं, जैसे कुछ भी हो रहा है वो ई कॉमर्स हो रहा है। इंटरनेट पे अगर खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं, परचेस कर रहे हो, तो वो ई कॉमर्स में कहलाता है। तो ई कॉमर्स एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ई कॉमर्स इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स क्योंकि बोला जाता है। तो ये रेफर करता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड सर्विसेज, जैसे पहले तो देखा गया। और इंटरनेट इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे मोस्टली आपको वर्ल्ड वाइड वेब का जो प्रोटोकॉल है ये इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मनी भी होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी एंड डेटा जो देखा गया फंड्स। तो ई कॉमर्स इज यूज टू रेफर सेल, सेल के लिए भी होता है, फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन यहाँ से कुछ खरीद रहे तो वो भी ई कॉमर्स हो गया। ठीक है, तो कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन ओवर इंटरनेट को ई कॉमर्स बोला जाता है। तो ई कॉमर्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं या क्यों जान रहे हैं, या क्यों इसका इस्तेमाल होता है? तो ई कॉमर्स से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू बिजनेस का तरीका आप सीख सकते हैं या नया और तरीका जान सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं वो नया नया तरीका से आप कर रहे हैं, समझ ऑनलाइन ले रहे हैं तो आपका उधर से बेनिफिट हो रहा है, ऑफलाइन भी आप कर ही रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ ही रहा है क्योंकि आपको दो जगह से इंटरनेट से पैसा मिल रहा है, अगर आप ऑफलाइन करें तो ऑफलाइन से पैसा मिल रहा है। इनकॉर्पोरेटिंग ट्रांजेक्शन, ये भी समझ, इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, और फैसिलिटिंग नेटवर्क फॉर्म, जैसे आप क्या हो रहा है कि इसका ये भी मतलब है कि आपका नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग बढ़ रहा है कि आपको अलग अलग जगह पे सबको आपको पहचान रहे हैं। ठीक है, अगर ट्रस्टेड आप हो जाएंगे, ठीक है, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट समझे तो वर्ल्ड वाइड पूरा आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये हुआ वाई यूज ई कॉमर्स, और ये अगर जो पसंद डेफिनेशन वो आप लिख सकते हैं ई कॉमर्स का। तो ये इन शॉर्ट था ई कॉमर्स के बारे में, व्हाट इज ई कॉमर्स और क्यों ई कॉमर्स, इसके फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर आता है इसका जो नॉन कैश पेमेंट जो तरीका है या फीचर है। तो ई कॉमर्स एनेबल्स अस द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वाया बैंक वेबसाइट एंड अदर मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, आप कैश भी पे ही कर सकते हैं, बट इसमें और भी जो मेथड्स है पेमेंट के वो है क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स या स्मार्ट कार्ड, फिर नेट बैंकिंग, ये सब चीज़ काफ़ी कन्वीनियंट होता है। सो ये हुआ नॉन कैश पेमेंट ई कॉमर्स का फीचर नंबर वन। सो नंबर टू फीचर है कि ये 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी है। तो ई कॉमर्स ऑटोमेट्स द बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वे दे प्रोवाइड सर्विसेज टू द कस्टमर, सो इट इज अवेलेबल एनी टाइम एनी वेयर। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हर समय अवेलेबल होता है, आप चाहे रात करें या सुबह करें, दिन में करें, कभी भी अवेलेबल रहता है ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म या वेबसाइट। सो द थर्ड पॉइंट इज कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग। सो ई कॉमर्स इंक्रीजेज द रीच ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेसेस। तो इट हेल्प्स इन बेटर मार्केट मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आपका मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा स्कोप रहता है, क्योंकि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से एड्स पब्लिश करा सकते हैं, बहुत कुछ करा सकते हैं, जो कि आपका मार्केट मतलब हेल्प करेगा आपका मार्केटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्ड सेल्स। तो सेल्स तो ऑब्वियसली इम्प्रूव करेगा ई कॉमर्स से। सो यूजिंग ई कॉमर्स ऑर्डर्स फॉर द प्रोडक्ट कैन बी जनरेटेड एनी टाइम एनी वेयर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, सो इट गिव्स अ बिग बूस्ट टू द एग्जिस्टिंग सेल्स वॉल्यूम्स। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर आपका शॉप, जैसे अगर ट्रेडिशनली देखेंगे तो शॉप्स रात में क्लोज हो जाएंगे, तो उस टाइम अगर किसी को कुछ परचेस करना होगा तो वो आपका पोटेंशियल कस्टमर लॉस्ट हो जाता है। ई कॉमर्स ऐसा नहीं है क्योंकि ये ऑल टाइम अवेलेबल रहता है और ह्यूमन का जरूरत नहीं पड़ता है ऑर्डरिंग में, तो आपका वो पोटेंशियल क्लाइंट या कस्टमर उस टाइम भी आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करके आपका सेल्स को बूस्ट कर रहा है या इम्प्रूव कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट। सो ई कॉमर्स प्रोवाइड्स वेरियस वेज टू प्रोवाइड प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स असिस्टेंस टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। तो बेसिकली क्या होता है, प्री सेल्स में मतलब समझ लीजिए आप रिव्यू देख लीजिए,
प्रोडक्ट के बारे में, और पोस्ट सेल्स में अगर आपको रिटर्न या रिफंड या प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है वो सब असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, और कितना जगह चैट भी फीचर्स रहता है, कॉलिंग या ईमेल फीचर्स भी अवेलेबल रहता है, ये सब सारे सपोर्ट्स के फीचर्स में आ जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो ई कॉमर्स ऑटोमेट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, ये फीचर अलाउ करता है। रिपोर्ट्स गेट जनरेटेड इंस्टेंटली व्हेन रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट बिकम वेरी इफिशियंट एंड ईजी टू मेंटेन। सो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स का सेल्स या प्रोडक्ट्स का कॉस्टिंग जो जो रिपोर्ट्स जनरेट होता है वो इजिली अवेलेबल रहता है, और जब रिक्वायर्ड होता है तब आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में इनडेप्थ रिसर्च करना है तो भी बहुत ईजी रहता है, कोई डिफिकल्टीज नहीं रहता है, और मैनेज करना बहुत ईजी रहता है बिल्स या कोई पास्ट ऑर्डर्स वो सब चीज़, तो ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाएगा। और फाइनली कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट, ये लास्ट फीचर हुआ। सो ई कॉमर्स प्रोवाइड्स वेज फॉर फास्टर एफिशियंट रिलायबल कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स एंड पार्टनर्स। तो वही ये फास्टर एफिशियंट रिलायबल वेज का मतलब ये है कि आप इमिजिएटली कॉल भी आपको 24/7 अवेलेबल ही रहता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, तो आप उसे ट्रस्टेड कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसे बातचीत करके सुलझा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स है, बेसिक फीचर्स।